हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए कटहल ले लिए, कटहल को छील लेंगे। कटहल को तब छीलेंगे हाथ में सरसों तेल लगा करके, फिर कटहल को छीलेंगे। इस तरह से कटहल को छील लेंगे। तरीके से पूरे कटहल को छील लेंगे। कटहल छिला गया, अब काट देंगे। हाथ में फिर से सरसों तेल लगा लेंगे। सरसों तेल इसलिए लगाया कि इसमें दूध होता है, हाथ में लासा इसका लगेगा नहीं। अब काट लेंगे कटहल को। इसी तरीके से पीस काट करके आप लेंगे। धो देंगे कटहल को। फिर उसके बाद से प्याज ले लिए, टमाटर प्याज को भी काट लेंगे। प्याज भी कट गया है, अब कटहल को फ्राई कर देंगे। कढ़ाई गरम हो गया, डाल देंगे तेल। तेल गरम हो गया, डाल देंगे कटहल। कटहल को फ्राई कर देंगे। कटहल को फ्राई होने देते हैं। कटहल फ्राई हो गया, अब बना देंगे कटहल की सब्जी। के लिए कुकर डाल दिए गैस पे। कटहल की सब्जी को कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, कढ़ाई या पतीली में, कुकर में ही बनाएंगे। कुकर में जल्दी गल जाएगा। कुकर गर्म हो गया, डाल देंगे तेल। कुकर में डाल दिए तेल। तेल गर्म हो गया, डाल देंगे जीरा। डाल देंगे कटी हुई प्याज। नमक, प्याज को हम बड़ा होने देंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी, डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्ची दो कटी हुई, डाल देंगे सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च जीरा का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले डाल के आप भून लेंगे पानी डाल करके। अब डाल देंगे सब्जी मसाला। मसाला भुना के डाल देंगे फ्राई हुआ कटहल। कटहल को अब मिक्स कर देंगे। कटहल की सब्जी एक बार आप लोग भी बना करके देखिए, चिकन मटन से अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है टेस्ट। भून करके अब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद डालेंगे नमक। नमक डाल करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 सीटी होने देंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तीन सीटी हो गया है, कुकर खोल देंगे। सब्जी गल गया, डाल देंगे कस्तूरी मेथी। कटहल की सब्जी बन करके रेडी है।